जेमको चौक से डेल्को साउथ गेट जाने वाली सड़क की हालत बड़ी ख़राब है। बड़ी गाड़ियां बड़ी रफ्तार से चलती हैं और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। इसको लेकर विधायक सरयू राय ने बात भी करी थी और कंपनी के आला अधिकारियों से मुलाकात करके उनको अवगत भी कराया था सारी परेशानी से। बात यही थी कि वो लोग 10 दिन के अंदर सड़क को बेहतरीन बना लेंगे और ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। मगर जब ये सॉल्व नहीं हुआ तो सरयू राय आज सारा दिन धरने पर बैठे हैं और उन्होंने कहा कि अब जिसको बात करनी होगी वो जिसको के अधिकारी हो या और किसी के, यहीं आके बात करनी होगी सड़क पर। आइए दिखाते हैं आपको इस धरने के कुछ अंश और सुनाते हैं क्या कहा विधायक सरयू राय ने। इसको लेते हैं जेमको चौक से टेल्को साउथ गेट जाने वाली सड़क बहुत व्यस्त सड़क है और इसमें चार कंपनियों के मोटा मोटी हेवी व्हीकल चलते हैं। उसमें टाटा पावर है, न्यूको है और टाटा स्टील है, टेल्को है, सबकी गाड़ियां चलती हैं और सड़क इतनी खराब है। जो छोटे वाहन लेकर चलने वाले गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, घंटा भर पानी लगता है बरसात होने पर। पहले भी हम उन्हें कहा था कि 2 महीना पहले तो उन्होंने 10 दिन का समय लिया था, कुछ गड्ढे इन्होंने भर दिए। एक मिनट तो अब आगे जितनी बस्तियां हैं आपको यहाँ से सुंदर नगर तक जाने के लिए, इलाके में बारी घोड़ा है, ये इनका जोजोगढ़ा है, ये सब मोहल्ले हैं, इनके लोग इनके लिए एकमात्र यही रास्ता है। और आज की समस्या नहीं है, कई वर्षों से समस्या, 4-5 वर्षों से ऐसी ही है। दीवार खड़ा कर दिया है पीछे में, इससे पानी रुक जाता है। बहुत छोटी चीज़ है, यहाँ से पानी निकालिए, पहले जो पानी निकलने का रास्ता था उस रास्ते को खोल दीजिए, परमानेंट नाला बनाइए, कुछ तो करिए। जब हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो ये पंप लगाते हैं, पानी निकाल देते हैं। आज ये पंप नहीं लगाए होते तो यहाँ घुटने पर पानी भरा होता। तो ये काकी कंपनी के लोग क्या चाहते हैं बात समझ नहीं आती है। हम लोगों का दायित्व है लोगों के प्रति और हम लोग चाहेंगे कि रास्ता बने, बढ़िया बने और इस रास्ते को बनाएं। चार कंपनियां हैं, चारों कंपनियां मिलकर बनाएं, जो उसको टाटा स्टील अकेले बनाएं, ये तय करें। अब जब तक ये नहीं करेंगे तो हम लोग आज ही नहीं रोज रोकेंगे इनके गाड़ियों पे, और केवल कंपनी गाड़ियों को रोकेंगे हम लोग, इन चारों कंपनियों के। बाकी जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं यहाँ पर ऐसे ही चलती रहेंगी। और कंपनी को समझना चाहिए कि आम जनता को सताने का, उसको परेशान करने का, उसके दिक्कतों के प्रति ध्यान नहीं रखने का कोई सीमा होती है। और कंपनी वाले ऐसा लगता है कि कोई भी साथी नहीं यहाँ के लोगों की, इसलिए हम लोगों ने आज तय किया है कि आज धरना करके गाड़ियों को रोकेंगे। हमने रोका है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ जा रही हैं। इनको देखना है और प्रशासन को देखना है कि क्या स्थिति आगे रहेगी। सर तो अभी